नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल को शुरू करेंगे, क्योंकि भक्ति काल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और भक्ति काल के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम देखते चलेंगे। क्योंकि आपको अब तक पता चल गया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है TET हिंदी वाले बच्चों का, वो 29 अप्रैल को बताया जा रहा है, जो कि मेवात कैडर में हिंदी TET हिंदी की पोस्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों का एक बार बार प्रश्न आता है कि आपको NCERT पढ़नी है या नहीं। तो ये तो बच्चों कॉमन सेंस है कि हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जो भी मतलब हमें आधुनिक काल, सब कुछ पढ़ना है। और अगर हम NCERT की बात करें तो जो लेखक NCERT में हैं, जिनकी रचनाएं लगी हुई हैं, तो वो हिंदी साहित्य से बाहर तो है नहीं है। तो आपने तैयार इस तरीके से करना है कि साथ में उन लेखकों की रचनाओं को नज़र से निकाल लेना है। ठीक है, मतलब आपको पूरा लेसन या पूरा जैसे निबंध दिया है कोई उपन्यास के बारे में है, पूरा ना पढ़ें तो कम से कम रचनाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कबीरदास को पढ़ना है, हिंदी साहित्य में भी पढ़ना है, और अगर NCERT में उसकी कोई रचना है तो उसको देख लेना है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी हैं, अगर उनकी रचनाएं हैं 6 से लेके 10th तक की NCERT में, तो उसको देखना जरूर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की भक्ति काल की ये क्लास, और एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से देख लेना है। कुछ चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, इसके अलावा थोड़ी बहुत आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो वज्र धातु से हुई है। तो किससे हुई है? वज्र धातु से हुई है। किसकी? भक्ति शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो कहाँ मिलता है भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख? कहाँ मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में। इसके बाद भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ? तो इसके साथ ही विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं कैसे हुआ भक्ति का आंदोलन का उदय। तो अलग अलग विचार आपको याद रखने हैं, उसमें सबसे पहले आपने जॉर्ज ग्रियर्सन का विचार, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो याद रखना है, इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन है ईसाइत की देन है। क्या कहते हैं? ईसाइत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हुआ है। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने विचार दिए हैं, वो कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है भक्ति आंदोलन का उदय। तो सभी की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। एक और रह गए हैं रामविलास शर्मा जी, वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, अब तो हो गई ये बात कि भक्ति आंदोलन कहाँ से आया है। ठीक है, अब स्थान, इसका उद्गम स्थल कौन सा है भक्ति आंदोलन का, इसके बारे में भी अलग अलग विचारधारा है, तो उसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं। इसके बाद है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं, ध्यान रखनी है। इसके बाद है उत्पन्ना द्राविड़े सह वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे गुर्जरे जीर्णता गता। जो ये जो पंक्तियां हैं श्रीमद् भागवत से ली गई हैं। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल जी ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ है उद्गम स्थल क्या है? दक्षिण भारत है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संबंध में अलग अलग विद्वानों के कथन हैं, उनको तो आपने देखना है। जॉर्ज ग्रेसन क्या कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो ये जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी की बड़ी सारी विचारधारा है, इसको आपने एक बार पढ़ लेना जरूर स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है,
उसके बाद कुछ अपने विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी दिए हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही जो आपने याद करने हैं, ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद करने हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। पहले तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल, और किसने कहा है ये हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है राम विलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है, तो इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है, जो राम विलास शर्मा जी हैं वो लोक जागरण काल कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक जागरण कहते हैं, ठीक है। आगे भक्ति काल में पढ़ना होता है निर्गुण धारा, ठीक है। निर्गुण धारा, सगुण धारा, ये चीज़ें आती हैं, आपने सबने पढ़ रखा है। तो निर्गुण धारा के जो मेन कवि हैं उनके बारे में मेन मेन बातें आपने याद रखनी है। तो निर्गुण धारा को ज्ञानाश्री शाखा भी कहा जाता है। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा को अलग अलग नाम भी दिए हैं, किसने क्या नाम दिया है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आ गए, इनको और जॉर्ज ग्रियर्सन को तो आपने अच्छे से याद रखना है। ये कहते हैं ज्ञानाश्री शाखा है, तो ये इन्होंने जो नाम दिया ज्ञानाश्री शाखा ही दिया है निर्गुण काव्य धारा का या निर्गुण धारा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति कहा है, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा है, इसके अलावा गणपति चंद्रगुप्त भी इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने भी क्या कहा है कि संत काव्य है निर्गुण धारा, ठीक है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन से हैं, अब इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। तो कोई कहता है कबीरदास जी हैं, कोई नामदेव को कहते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो संत काव्य धारा है उसके प्रथम कवि कबीरदास जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीरदास जी हैं, इन्होंने भी कबीरदास को माना है। गणपति चंद्रगुप्त जी नामदेव को मानते हैं, नामदेव भी एक महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा राम कुमार वर्मा भी नामदेव को मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो कबीरदास को मानते हैं, ये नाम अच्छे से आपने याद रखना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निदृष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही हैं, तो इनका जो पक्ष है वो कबीरदास की तरफ ही है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है कि निर्गुण मार्ग के जो निदृष्ट प्रवर्तक हैं वो कबीरदास ही हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है, तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है वो नामदेव ने किया है, अच्छे से याद रखना है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के कवि आदि कवि, महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन हैं, कवि मुकंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था, ठीक है। तो विवेक सिंधु के लेखक कौन हैं, कवि मुकंद राज जी। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हुए, तो आपने इन संप्रदायों के नाम याद रखने हैं, इनके जो मतलब के प्रवर्तक हैं उनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो बारकरी संप्रदाय है इनका संबंध जुड़ा है नामदेव से। नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे, बारकरी। तो नामदेव के लिए, नामदेव का ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक थे चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक थे संत पुंडलिक माने जाते हैं, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बारकरी संप्रदाय के जो प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं, ठीक है। इतनी बातें आपने याद रखनी ही रखनी है। आगे नामदेव के बारे में कुछ पांच चार प्रश्न और बनते हैं, अच्छे से याद रखना है। पहला प्रश्न बन जाएगा कि इनका संबंध बारकरी संप्रदाय से था, जन्म हुआ 1135 में, मृत्यु हुई 1215 में, और जाति इनकी क्या थी, दर्जी। जाति भी पूछी जाती है, ध्यान रखनी है, जाति कौन सी थी, नामदेव की दर्जी। गुरु का नाम विसोबा खेचर था, अच्छे से याद रखना है। और इनकी रचनाएं मराठी में अभंग थी और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहब में इनकी मतलब के दोहे वगैरह क्या है लगे हुए हैं, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। आगे नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा, अब भाषा भी आपने ध्यान रखनी है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है, निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या आप सुदक्कड़ी भाषा कह सकते हैं, तो दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, और
अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। आपको पता ही है कि किस प्रकार से आजकल मेरी लाइफ कह सकते हैं बिजी चल रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस मेन मेन चीज़ों को कवर करवा दूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि आप कोई वीडियो देखते हो, कोई देखते ही नहीं, पता नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँचता, या आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, किस प्रकार से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त यहाँ पर जीवन वृत्त दिया हुआ है, तो आपने थोड़ा सा इसको याद रख लेना। किसी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि रैदास भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपने यही ध्यान रखना है कि संत काव्य धारा में कौन से कवि आते हैं। रैदास हो गया, कबीरदास हो गया, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, तो ये टेबल आपने याद रखनी है। उनका जन्म मृत्यु दे रखी है रैदास की, किस उनका जन्म स्थल कौन सा है, जैसे रैदास का काशी हो गया, कबीरदास का काशी हो गया, जम्बनाथ का नागौर हो गया, और हरिदास निरंजनी का खास करके याद रखना है डींडवाना। और इनके गुरु के नाम, कबीरदास और रैदास जी रामानंद के शिष्य थे, ठीक है, और जम्बनाथ बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। इसी प्रकार हरिदास निरंजनी का जो गुरु था वो प्रागदास था। जातियाँ भी याद रखनी है, रैदास चमार जाति से संबंधित थे, कबीरदास जी जुलाहा जाति से संबंधित थे, और जम्बनाथ जी राजपूत जाति से। इसी प्रकार कबीरदास के माता पिता नीरू नीमा का नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। गुरु नानक देव जी का जन्म सभी को याद है, जन्म स्थल ननकाना, और जाति इनकी खत्री थी, कालू राम तृप्ता देवी इनकी माता का नाम था। सोंगा है उसके बाद, ये अच्छे से आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दादू दयाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका जन्म 1544 में हुआ और मृत्यु 1603 में हुई। जन्म स्थान अहमदाबाद है, और इनके गुरु वृद्ध भगवान थे, ठीक है। तो जाति इनकी धुनिया थी, या मोची कह सकते हैं, याद रखनी है मोची जाति दादू दयाल की। मलूक दास इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म स्थल इलाहाबाद, और पुरुषोत्तम इनके गुरु थे, खत्री जाति सी थी इनकी। सुंदरदास को याद रखना है, दादू दयाल इसके गुरु थे, और बनिया इनकी जाति थी, ठीक है। तो ये मेन मेन, वैसे तो आपने सभी को एक बार देख लेना, लेकिन मेन मेन तो आपने याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, तो बच्चन सिंह की विचारधारा भी आपने याद रख लेनी है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था, तो मुसलमानों के अनुसार उनके गुरु कौन थे, अच्छे से याद रखना है, जे सिकंदर लोधी के पीर थे, ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने, बहुत बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। बीजक के तीन भाग थे, कौन कौन से, रमैणी, शब्द और साखी। अब रमैणी शब्द साखी से जुड़े भी आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेना है। रमैणी का अर्थ होता है रामायण, और इसमें छंद कौन सा है, चौपाई दोहा, छंद से प्रश्न आ जाता है, रचना का नाम दे के छंद पूछा जाता है कि उसमें कौन सा छंद है। तो इसकी जो भाषा थी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। इसके बाद शब्द, आपको पता ही शब्द होता है इसका अर्थ, और गेय पद था इसमें, ठीक है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली थी। साखी का अर्थ साक्षी, और छंद इसका मुख्य था दोहा, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आगे कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, सुदक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आपको पता है कि कबीरदास की भाषा को सुदक्कड़ी कहा जाता है, खिचड़ी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कबीरदास थे वो चलते फिरते गाते रहते थे, और जो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लगा रहता था, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का उनकी भाषा पर प्रभाव पड़ता था, इसीलिए जो उनकी भाषा थी पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है, ठीक है। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, सभी को अब तक तो याद होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 की लिखी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना है। इसके बाद कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो ये मत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं सुदक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भाषा के डिक्टेटर। तो तीनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, इनको भी याद रखना है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, अच्छे से याद रखना है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रतीकवाद का मेल करके अपना पंच खड़ा किया, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये जो भी स्टेटमेंट दी हुई है ना, एक बार आपने जरूर देखनी है इसको, स्टेटमेंट से प्रश्न बन जाता है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीरदास की जो पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। संत रैदास, आगे संत रैदास आ जाएगा, इसकी वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, ये मेन पॉइंट है। रैदास के बारे में, गुरु नानक के बारे में, मतलब कि जितने भी संत कवि हुए हैं। उसके बाद सगुण धारा के, तो मैंने आपसे कहा था कि संडे को पूरी भक्ति काल कवर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि चलो इतना आज के लिए काफ़ी है। तो अब रेगुलर क्लास रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो कल की क्लास में हम रैदास, गुरु नानक देव, इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण संत कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी भक्ति काल कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।